खबर नोएडा से, यहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में बदमाश के पांव में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से एक बाइक लूट का, एक मोबाइल, तमंचा सहित कारतूस भी बरामद किए हैं। शातिर बदमाश लोगों से मोबाइल छीनने और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। और अब खबर उन्नाव से, यहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। डंपर चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद डंपर के पीछे चल रही कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक घायल को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे की कार वाहन से टकरा गई और उसमें सवार व्यक्ति की मौत हो गई। और अब रुक करेंगे बरेली का। यहां एक दरोगा ने अपनी पत्नी को बच्चों के सामने चौराहे पर 3 तलाक दे दिया। आरपीएफ में तैनात महिला कांस्टेबल रुबीना खान ने शहर कोतवाली में दरोगा पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी है। रुबीना के पति आरिफ खान बिजनौर जिले में यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात है। रुबीना का आरोप है कि उसके पति आरिफ के कई महिलाओं से अवैध संबंध है। विरोध करने पर पति आए दिन उसके साथ मारपीट किया करता था, इस कारण वो बच्चों के साथ अपने मायके में रह रही थी। उन्हें जब पति के बरेली आने की जानकारी हुई तो वो उनसे मिलने के लिए गई, ये सोचकर कि बच्चों को देखकर पति का दिल पसीज जाएगा, लेकिन पति ने उल्टे 3 तलाक दे दिया। हस्बैंड है, मेरी शादी को 15 साल हो गए। अभी मैं एसएसपी ऑफिस भी गई थी, वहाँ भी मिली थी। उसका हमेशा चक्कर रहता है किसी ना किसी से। मैं छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो गई, समझिए 5-6 महिलाओं से मैं छुड़ा चुकी हूँ। अब उसने आके अलीगढ़ में शादी कर ली है और वो हमेशा ये धमकी देता है, तुझे तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे तो और मिल जाएगी। और मैं ना तो बच्चों का खर्चा देता है, ना हमें कुछ समझ रहा है। 2 साल हो गए, 1 साल तो हमें शादी का पता ही नहीं चला था उसकी, 1 साल के बाद तो पता चला है हमें। कासगंज के पटियाली नगर क्षेत्र में तंबाकू कारोबारी भाइयों के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी 70 घंटे बाद खत्म हो गई। पटियाली के रहने वाले हाजी रसूल अहमद और उनके भाई रईस अहमद के यहां दिल्ली से आई आयकर विभाग की 7 टीमें लगातार उनके घर और गोदामों पर छापेमारी कर रही थी। इस कार्रवाई के दौरान हाजी रसूल अहमद के संपर्क में आए कई व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई। कासगंज के एक लोहा कारोबारी को भी इस मामले में आयकर विभाग की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया था। आयकर विभाग की टीम को एक बड़े लेन देन का इनपुट लोहा व्यापारी और रसूल अहमद एंड कंपनी के बीच मिला। बताया जा रहा है कि रसूल अहमद एंड कंपनी का कारोबार हरियाणा स्थित एक तंबाकू व्यवसायी के साथ है। इसी को लेकर पटियाली स्थित रसूल अहमद एंड कंपनी और उनके भाई रईस अहमद के घर पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने 70 घंटे तक जाँच पड़ताल की। तंबाकू कारोबारी के घर पर हुई आयकर विभाग की इस छापेमारी 70 घंटे के बाद अब खत्म होने की सूचना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।